एवरीवन, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद गुंजन। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ की साइंस की फिजिक्स का चैप्टर साउंड, और ये साइंस का है चैप्टर 12, जिसमें साउंड चैप्टर का जो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे वो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स अगर आपको स्टडी करने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और आपको प्रीवियस वीडियोस के सारे लिंक अवेलेबल होंगे, राइट? तो आज स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक, वो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स आपने क्लास 8th में डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? कैसे सेम है वो हम देखते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, राइट? तो यहाँ पे देखते हैं, रिफ्लेक्शन मींस व्हेन साउंड वेव्स हिट अ पॉलिश्ड और रफ सरफेस इट बाउंसेस ऑफ। हमने लाइट के लिए भी यही पढ़ा था कि जब किसी सरफेस पर, किसी पॉलिश सरफेस या किसी भी रफ सरफेस पर जब लाइट पड़ती है तो वो उस सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, राइट? सो सेम इज़ द केस विद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब ये साउंड वेव्स जो हिट करती है उसको हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी हार्ड सरफेस से, है ना, किसी भी मटेरियल हार्ड सरफेस का है उस पर अगर हम किसी बॉल को जो है हिट करें, है ना, किसी बॉल को हमने किसी हार्ड सरफेस से पे से उसको हिट करा, थ्रो करा, राइट? तो जब हमने उसको वो जो हमारी बॉल थी वो हार्ड सरफेस से जब टकराई तो ऑब्वियसली एक साउंड प्रोड्यूस हुई, एक वाइब्रेशन हुआ, राइट? तो वो जो बॉल जो है उस हार्ड सरफेस से टकराने के बाद बाउंसिंग होगी, उसकी बाउंस ऑफ होके वो वापस लौटकर हम तक आएगी, राइट? तो ऐसे समझ लीजिए, बाउंसिंग ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम अ मटीरियल सरफेस और हार्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना? यानी किसी भी सरफेस से जब साउंड वेव्स टकराती हैं तो वो बाउंस ऑफ होके वापस आती हैं बैक टू द लिसनर, है ना? तो वैसे ही जैसे सेम लाइट में होता था वैसे ही यहाँ पर साउंड वेव्स के लिए भी है। तो बाउंसिंग ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम अ हार्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पे लिखा है दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विच इज सिमिलर टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके? तो जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉस पढ़े थे, टू लॉस थे, वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के भी सेम लॉ है। देखो, इंसिडेंट रे ऑफ साउंड, इंसिडेंट रे मतलब मींस किसी सोर्स से जब कोई आवाज़ यानी साउंड वेव्स निकल के जाकर किसी सरफेस से हिट कर रही है, टकरा रही है, राइट? तो और वो वापस रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक हो रही, जिसको हम रिफ्लेक्शन साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या रिफ्लेक्टेड साउंड कह देते हैं। जब हमने लाइट पढ़ा था तो हमने इसको इंसिडेंट लाइट रे बोल दिया था, है ना? और जो रिफ्लेक्टेड साउंड रे है उसको हमने रिफ्लेक्टेड लाइट रे बोल दिया था, क्लियर? ये अगर आपको चीज़ ना भी याद हो तो अभी आपको ये अच्छा एक रिमाइंडर मिल जाएगा। ये देखो, किसी ये एक बेल है, इससे एक आवाज़ निकली यानी साउंड वेव्स गई, वो सरफेस से हिट करी, टकराई, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, है ना? और उन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई, हम इसको रे भी बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक पॉइंट बनता है परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या कह देते हैं, नॉर्मल कह देते हैं, ना उसको हम क्या कह देते हैं, नॉर्मल कह देते हैं, राइट? तो और जो इंसिडेंट साउंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड साउंड या रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के जो ये एंगल बनते हैं, दे आर लाई इन ऑल सेम प्लेन, है ना? यही फर्स्ट लॉ कहता है, द इंसिडेंट रे ऑफ साउंड, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ साउंड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बिल्कुल ऐसे ही सेम हुआ करता था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, है ना? अब यहाँ पर हम सिर्फ साउंड वेव को दिमाग में रखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकली यानी इंसिडेंट साउंड वेव निकली, वो यहाँ इस सरफेस से हिट करी, हिट करके वो रिफ्लेक्शन हुआ, उसका रिफ्लेक्शन साउंड रे निकली, और इंसिडेंट साउंड रे एंड रिफ्लेक्टेड साउंड रे के बीच में एक जो पॉइंट परपेंडिकुलर पड़ा उसको हमने नॉर्मल कहा, राइट? अब इंसिडेंट साउंड रे नॉर्मल पॉइंट, है ना, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे वो टकराई थी और जहाँ से रे रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक हुई थी, रिफ्लेक्शन हुआ था उसका, वो तीनों एक ही प्लेन में लाए करते हैं, सिमिलर प्लेन में होते हैं, राइट?
और सेकेंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यानी इंसिडेंट साउंड और नॉर्मल पॉइंट के बीच में जो बन रहा है, और रिफ्लेक्टेड साउंड और नॉर्मल पॉइंट के बीच में जो बन रहा है वो हो गया रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो बहुत ही सिंपल था। देखो यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर दिए गए हैं, ये एंगल का साइन है, आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या था, बाउंसिंग ऑफ साउंड वेव फ्रॉम हार्ड सर्फेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना। और ये दो लॉज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट सिमिलर टू द लाइट का जो रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा था, जो लॉज थे वो बिल्कुल सिमिलर टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। क्लियर, तो यहाँ तक आपको ये हमने क्लियर कर लिया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। देन हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एन इको, इको क्या है ये देखते हैं। बहुत सिंपल है, हमने जब देखते हैं ना कि हम किसी भी खाली रूम में चले जाएं, है ना, जहाँ पर मतलब हम ज़ोर से बोलें तो हमारी आवाज़ जो है हम तक वापस आती है, कैसे आती है और वो क्या है ये समझते हैं। व्हेन वी शाउट नियर अ माउंटेन वी विल हियर द सेम साउंड अगेन एंड अगेन विद सम स्मॉल टाइम इंटरवल गैप्स, दिस इज कॉल्ड एन ईको, है ना। ईको क्या कहते हैं, जब हम किसी माउंटेन पर बेसिकली जाएँ और हम ज़ोर से हेलो बोलें, एग्जाम्पल में देखो अगर हम हेलो हेलो बोल रहे हैं तो उस हिल से हमारी जो आवाज़ टकरा के वो पूरे उस एनवायरमेंट में जो है वो गूंजती है, जिसको हम कहते हैं, या फिर हम कहते हैं ईको ऑफ साउंड इसको कहते हैं। कैसे, ईकोज मे बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव क्या पढ़ा था, बाउंसिंग ऑफ साउंड वेव, तो वही ईको में भी हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने। तो जब हम हेलो हाय या किसी का हम अपना नाम भी ज़ोर से लेते हैं तो वो हम तक रिफ्लेक्ट होकर, है ना, कई बार रिफ्लेक्ट होकर वो साउंड वेव्स हम तक पहुंचती हैं, है ना। अब ये क्यों पहुंचती हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, वो हम अब स्टडी करते हैं, राइट। तो देखो एक बेसिक रीज़न इसके पीछे है, द सेंसेशन ऑफ एनी साउंड परसिस्ट इन आर ईयर फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, है ना। देखो एको क्या है, मतलब बोलना, रिफ्लेक्शन क्या है, वट एवर वी स्पीक इट परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड। जो कुछ भी हम बोलते हैं, सपोज मैं अपना नाम ले रही हूँ या जो भी मैं आपको टीच कर रही हूँ मैं उसको सुन सकती हूँ, है ना। तो जो भी हम बोलते हैं वो हमारे ब्रेन या हमारे ईयर में कब तक परसिस्ट करता है, 0.1 सेकेंड तक वो रह सकता है, वहाँ रुकता है। उसी बीच में अगर कोई दूसरा अपनी कोई बात कह रहा है तो मुझे वो सुनाई नहीं पड़ेगी, है ना, मतलब उतना क्लियर मुझे उसका मतलब वो ऑडिबल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो कुछ पहले मैंने सुना है, जो मैं बोल रही हूँ वही मुझ तक लौट कर आ रही है, मैं अपने कानों से सुन रही हूँ, तो हमारे कानों में 0.1 सेकंड तक वो आवाज़, वो साउंड स्टे करती है, परसिस्ट करती है, राइट। इस 0.1 सेकंड के अंदर कोई भी और आवाज़ हमारे ब्रेन में हमारे ईयर में एंटर नहीं करेगी, हम कोई दूसरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा रिफ्लेक्शन में भी और इको में भी, कि कोई भी बात जब हम बोलते हैं सुनते हैं तो वो बात जब हमारे कानों तक वापस लौट के आती है, रिफ्लेक्ट होकर आती, तो वो 0.1 सेकेंड तक रहती है, उसके बीच में हम कोई भी दूसरी साउंड क्लियर नहीं सुन सकते, राइट। विच मीन्स दैट टू हियर अ क्लियर इको, यानी जो इको हो रहा है वो कब हो रहा है, आफ्टर 0.1 सेकेंड, आफ्टर 0.1 सेकेंड, द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड। यानी अगर 0.1 सेकेंड के बाद रिफ्लेक्टेड साउंड आएगी तो ही हमें सुनाई देगी, है ना, उसके बीच में 0.1 सेकेंड के अंदर या उससे पहले हम वो आवाज़ नहीं सुन सकते, 0.1 सेकेंड के बाद ही आएगी। अगर मैंने हेलो बोला है तो सिर्फ मेरे कानों ने उस समय हेलो ही परसिस्ट किया है, वही साउंड परसिस्ट कर रही है, ठीक है। अब इको होने के बाद वो वेव्स दूर तक जाती हैं, आफ्टर 0.1 सेकेंड बाद वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे ईयर तक आती हैं, तभी हम उसको सुन पाते हैं, है ना। और वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में आती है, हेलो 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 ऐसे करके, है ना। आप अपना नाम लोगे तो आपको उस समय एट वंस अपना ही नाम सुनाई देगा, जो सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स है। लेकिन जब इको की बात हो रही है, जो हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, जो बात रिपीटेशन में
में सुनाई पड़ रही है, यानी वो 0.1 सेकंड बाद हमारे कानों में जा रही है ना। तो हमें कोई भी चीज़ सुनाई पड़ेगी 0.1 सेकंड के पहले हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, जो भी सुनाई पड़ेगा आफ्टर 0.1 सेकंड बाद। तो इसका एक रीज़न है कि सेंसेशन ऑफ एनी साउंड परसिस्ट इन आर ईयर फॉर अबाउट 0.1 सेकंड, है ना। तो सेंसेशन ऑफ एनी साउंड परसिस्ट, ये हो गया 1 सेकेंड। अब अगर हम इसका भी देखो, एको का भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्पीच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो आप बोलोगे हमने डिस्टेंस 2D क्यों लिया है, सिंपल है, द डिस्टेंस दैट इज़ अ फुल डिस्टेंस दैट इज़ फ्रॉम सोर्स टू द वॉल एंड बैक टू द सोर्स, है ना। यानी किसी, अब हमने देखो यहाँ पर एक एग्जांपल, ये इमेज में देखो, क्लैप करा, क्लैप की साउंड क्या हुई, यहाँ से निकलकर इस वॉल से टकराई, राइट। 0.1 सेकंड के अंदर तो हमें सुनाई पड़ा कि हमने क्लैप किया, आफ्टर 0.1 सेकंड बाद वही क्लैप की साउंड रिफ्लेक्ट होकर जो है हम तक पहुंच रही है, दैट इज़ कॉल्ड अ एको, है ना। तो क्या हुआ, एक डिस्टेंस हुई हमारे जो हमने क्लैप किया डी, एंड अगेन वो डिस्टेंस जो उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस हम तक पहुंची, दैट इज़ ऑल्सो अ डी। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, स्पीड इज इक्वल टू 2D अपॉन टाइम, और टाइम क्या हो गया, वो टाइम इंटरवल जिसमें वो आवाज़ सोर्स से लेकर, पहले सोर्स से लेकर उस सरफेस तक गई और अगेन उस सरफेस से लेकर जो है वापस लिसनर तक आई, राइट। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, एस इज इक्वल टू 2D अपॉन D। ये जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे इट विल हेल्प यू। इसको एक बॉक्स में जो है बंद कर लो और अच्छी तरह याद रखो। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एको में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट लेते जाओ और जो कुछ भी अभी मैं आपको इस इमेज के थ्रू दिखाती हूँ या कुछ है, वो आप डे टू डे लाइफ में एक बार ज़रूर उसको प्रैक्टिकली जो है अप्लाई करके देखा करो, राइट। तो व्हाट वाज द एको एंड व्हाट वाज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमने इस वीडियो में स्टडी किया। आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।